नमस्कार, एमके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप शिखा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के बीच सीएम उद्धव ने शिवसेना के 12 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग उठाई है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि कागज पर भले कोई मजबूत होने का दावा करे, मगर आगे की प्रक्रिया कानूनी तरीके से ही बढ़ेगी। राउत ने बाकी विधायकों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। वहीं शिवसेना ने 12 विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए डिप्टी स्पीकर को चिट्ठी भी लिख दी है। ये विधायक व्हिप जारी होने के बावजूद मीटिंग में नहीं पहुंचे थे। इधर गुवाहाटी में बैठे बागी गुट के नेता एकनाथ शिंदे ने कहा है कि उद्धव सरकार अल्पमत में है। उन्होंने कहा कि हमारे विधायकों को डराने की कोशिश की जा रही है, हमें कोई डरा नहीं सकता। शिंदे ने दावा किया कि उनके पास शिवसेना के 39 और निर्दलीय 14 विधायक हैं। नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्ष बनने की उम्र 25 साल से घटाकर 21 साल किए जाने की तैयारी की जा रही है। राज्य सरकार इसके लिए जल्द ही नियमों में संशोधन के लिए एक अध्यादेश लेकर आ रही है। अध्यादेश का प्रस्ताव नगरीय आवास एवं विकास विभाग के मंत्री भूपेंद्र सिंह को मंजूरी के लिए भेजा गया है। माना जा रहा है कि अगले हफ्ते इसकी अधिसूचना जारी हो जाएगी। दरअसल राज्य सरकार द्वारा मई महीने में लाए गए नगरपालिका अधिनियम संशोधन विधेयक में नगरपालिका अध्यक्ष और नगर परिषद अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से न कराए जाने की व्यवस्था तो बदल दी गई, लेकिन अध्यक्ष बनने की उम्र को नहीं घटाया गया। इसकी वजह से हालात ये बन गए हैं कि नगर पालिका और नगर परिषद में पार्षद की उम्र 21 साल रखी गई, लेकिन अध्यक्ष बनने की उम्र में संशोधन नहीं किया गया और इसे जस का तस 25 साल रखा गया है। नगर पालिका अधिनियम 1961 में पार्षद के चयन की न्यूनतम उम्र 21 साल है, जबकि अध्यक्ष के लिए 25 साल। हालांकि ये व्यवस्था पहले से चली आ रही है, लेकिन पूर्व में नगर पालिका अध्यक्ष और परिषद अध्यक्ष के चुनाव सीधे हुआ करते थे। नगर पालिका अधिनियम में संशोधन के बाद अब अध्यक्ष की न्यूनतम उम्र में भी संशोधन की तैयारी की जा रही है। दिल्ली में सुबह तेज धूप खिली और न्यूनतम तापमान 25.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि मौसम विभाग ने दिन में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान जताया है। वहीं मौसम विभाग ने यह भी कहा कि न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री कम था। वहीं भारत मौसम विज्ञान विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि दिल्ली में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान 25 जून को होगा। इससे पहले मतदाताओं को लुभाने के लिए कई प्रचार प्रसार जारी है। कई प्रत्याशी नैतिक तरीके से मतदाताओं को लुभाने के प्रयास कर रहे हैं, जिसे लेकर पुलिस सतर्क है, जिसके चलते पुलिस ने देसी शराब की 6 पेटियां पकड़ी हैं। फिलहाल ये शराब कहां बंटनी थी इस बारे में पता नहीं चल सका है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। राष्ट्रपति पद के लिए संसदीय बोर्ड की चयनित द्रौपदी मुर्मू के नाम का नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के लिए जो नाम तय किए जाते हैं उसमें किसी की अपेक्षा और उपेक्षा जैसी कोई बात नहीं होती। सारी बातों पर विचार किया जाता है। जो नाम तय किया गया है हम उसका स्वागत करते हैं। द्रौपदी मुर्मू के लंबे अनुभव का निश्चित ही पूरे देश को लाभ मिलेगा। राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू जी का नाम संसदीय बोर्ड के द्वारा तय किया गया है। हम उनका स्वागत करते हैं और शुभकामना देते हैं। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का इसके लिए आभार प्रदर्शन करते हैं कि जिस प्रकार से एक आदिवासी महिला और उस समाज के प्रतिनिधित्व करने वाले जिनका लंबा राजनीतिक अनुभव, चाहे वो राज्यपाल के रूप में हो, कैबिनेट मंत्री के रूप में हो। छत्तीसगढ़ के भुइयां कार्यक्रम को सरकारी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राष्ट्रीय स्तर का सम्मान मिला है। कार्यालय आयुक्त भू अभिलेख के संचालित लैंड रिकॉर्ड्स और भुइयां सॉफ्टवेयर को IMC डिजिटल अवार्ड्स 2021 से सम्मानित किया है। इस जिसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राजस्व मंत्री जयसिंह ने भू अभिलेख विभाग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र को बधाई दी। निश्चित तौर पर जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार बेहतर काम कर रही है। छत्तीसगढ़ में काम करने की एक नई संस्कृति पैदा हुई है और उसका प्रतिचार देश भर की तमाम निजी संस्थाएं और केंद्र सरकार भी बराबर कर रही है। अब देखिए, छत्तीसगढ़ बेरोजगारी दर में देश में अव्वल है। छत्तीसगढ़ मनरेगा के
क्रियान्वयन में देश में अव्वल। त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 के तहत जिले में पंचायत चुनाव 3 चरणों में संपन्न किए जाएंगे। बता दें, प्रथम चरण में जनपद सीहोर, द्वितीय चरण में नसरुल्लागंज इछावर और तृतीय चरण में आष्टा बुधनी में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। प्रथम चरण का चुनाव 25 जून 2022 को आयोजित होगा। बता दें कि पंचायतों के चुनाव बैलेट पेपर से होंगे। वहीं कलेक्टर ने सभी मतदाताओं से मतदान करने की अपील करते हुए कहा कि लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति के वोट का महत्व है। सीहोर विकास खंड, सीहोर जनपद पंचायत और उसके अंतर्गत आने वाले सभी ग्राम पंचायतों के मतदाताओं से अपील करूंगा कि दिनांक 25 जून को सीहोर विकास खंड के सभी ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायत के सभी वार्डों और सीहोर विकास खंड अंतर्गत आने वाले जिला पंचायत के वार्डों के लिए मतदान है। मतदान का समय सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक है और हमने सभी व्यवस्थाएं की हैं कि आपको मतदान केंद्र पर किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। सीहोर विकास खंड के सभी मतदाताओं से मेरी अपील है कि आगामी 25 जून को होने वाले मतदान में, जिसमें कि 411 मतदान केंद्रों में मतदान संपन्न होना है, हम सभी निष्पक्ष एवं निर्भीक रूप से मतदान करें। छतरपुर में पंचायत चुनाव के प्रचार के दौरान दो प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें पुरानी रंजिश के चलते दोनों पक्षों के बीच जमकर हंगामा हो गया। तभी दोनों पक्षों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया और जमकर फायरिंग भी की, जिस कारण दोनों पक्षों की ओर से 4-4 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं कोतवाली पुलिस ने दो पक्षों की शिकायत पर दोनों पक्षों पर हत्या का प्रयास का मामला दर्ज किया है। हम लोग प्रचार कर रहे थे तो वहीं पे विनोद पटेल, राजेश पटेल, महादेव पटेल, रज्जू पटेल और कल्लू पटेल पिता भागीरथ पटेल, इन लोगों ने मारपीट की। वो लोग आए तो हम लोग उन्होंने फायरिंग की। दासू पटेल कट्टा लिए था, ब्रजमोहन और शालेश चंदन कलर का, उन्होंने फायरिंग का ही और लट्ठमाई, हम लोग गेट नहीं लगा पाए, दूरी में बैठे रह गए, उन्होंने मार दिया। हाँ जी, प्रचार के दौरान ये उनमें विवाद हुआ, मारपीट हुई, गंभीर मैटर था। इमीडिएट सभी सीनियर ऑफिसर्स वहाँ पे पहुँचे और कुछ उसमें घायल थे जो हॉस्पिटल में जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है। मेडिकल अन्य जो उसमें साक्ष्य हैं, साथ पे हमने दोनों तरफ से तीतो साथी लाइन के। जनसंघ के संस्थापक के पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर बीजेपी के जिला अध्यक्ष श्री चंद सुंदरानी ने शारदा चौक स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने बलिदान दिवस पर 23 जून से 6 जुलाई तक बीजेपी एक पखवाड़ा मनाकर उनके साकार हुए सपने को लेकर लोगों के बीच जाएंगे। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस है। 1950 में अंतरिम सरकार से इस्तीफा दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में, वो उद्योग मंत्री थे। कश्मीर के मामले में मत भिन्नता के कारण, क्योंकि कश्मीर के लिए परमिट लगता था, दो विधान, दो निशान, दो नेतृत्वकर्ता का एक नियम था, उसको तोड़ने के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर गए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, होंगे जल्द हाजिर। गंगोत्री और यमुनोत्री के तट पर बसा उत्तराखंड वैदिक संस्कृति की विरासत को समेटे है। महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों के प्रदेश उत्तराखंड में है, इसलिए इस प्रदेश को देव भूमि भी कहा जाता है। हस्तशिल्प, हथकरघा और पर्यटन उत्तराखंड के प्रमुख व्यापार हैं, जिन्हें सरकार भी बढ़ावा दे रही है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी नंदा देवी उत्तराखंड में है, तो विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी भी यही है। राजनीति परिपेक्ष में उत्तराखंड की सबसे अलग भूमिका है। सरकार किसानों को बढ़ावा देने और हित में कई काम कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड अपनी सबसे अलग पहचान रखने वाला प्रदेश है, जिसकी हर खबर आप देखते हैं सच के साथ, सच की बात के साथ।
के बाद आपका फिर से स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। मुरादाबाद जिले में जहां एक तरफ कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो वहीं लापरवाही भी सामने आ रही है। ज्यादातर लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन करते नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब तक मुरादाबाद में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 30 हो चुकी है, जबकि एक मरीज की कोरोना के चलते मौत हो चुकी है। वहीं डॉक्टर MC गर्ग ने बताया कि कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए 1100 किट जिला मुख्यालय पर और PHC पर मिलाकर 2000 मेडिकल किट उपलब्ध हैं। करीब 1000 हम सैंपल रोज कर रहे हैं और अब इस पे बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं केसों की बढ़ोतरी को देखते हुए। और एक मरीज बर्न का इलाज सफदरजंग में चल रहा था 1.5 महीने से, तो वहाँ पे उससे कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। भिंड में आगामी पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर SP शैलेंद्र सिंह चौहान को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। जहां SP शैलेंद्र सिंह के निर्देशन में लाडमपुरा चौराहा भिंड ग्वालियर रोड से मुखबिर के बताए अनुसार आरोपी की तलाशी ली गई। वहीं तलाशी के दौरान आरोपी के बैग से 3 पिस्टल, 32 बोर की, 1 रिवॉल्वर 32 बोर की और 5 जिंदा राउंड 32 बोर की जब्त की गई। वहीं कराम्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। हाईवे पे जो ग्वालियर भिंड हाईवे है, यहाँ पर एक व्यक्ति बैग में अवैध हथियार लेकर के खड़ा है, जो कि चुनाव में खपाने की दृष्टि से कहीं ले जा रहा है। इसके संबंध में थाना प्रभारी स्वयं तत्काल अपना फोर्स लेकर के मौके पर गए थे। 32 बोर 3 पिस्टल मई मैगजीन के और 32 बोर पिस्टल के 5 जिंदा राउंड और उसके अलावा उनने 32 बोर रिवॉल्वर उनसे जब्त किया और अपराध कायम कर विश्राम लिया। राजधानी में वारदातों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां चंगोरा भाटा इलाके में देर रात युवक की बेरहमी से डंडे और रॉड मारकर हत्या कर दी गई। बताने के मृतक युवक का नाम राजा ठाकुर था, जो आदतन अपराधी था। मृतक राजा ठाकुर आरोपियों के घर के पास से जा रहा था, तभी इनके बीच किसी बात पर बहस हो गई। वहीं DD नगर थाना पुलिस मामला दर्ज कर फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई है। थाना क्षेत्र DD नगर में चंगोरा भाटा क्षेत्र के पास झंडा चौक एक क्षेत्र है, जहां पर से हमें सूचना मिली है कि वहां पर रहने वाले राजा ठाकुर नामक व्यक्ति का वहां पर कुछ लोगों से विवाद हुआ है, जिसमें विवाद में मारपीट हुई है, जिसमें से काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं, जिसे उपचारार्थ यहाँ पर अस्पताल में लाया गया था, जहाँ उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हुई है, जिसकी सूचना भी हमें थाने में मिली है। प्रकरण में जो है अभी प्रार्थी आए हुए हैं, जिसके अनुसार भी अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। राजधानी रायपुर में नशे से आजादी पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत पुलिस उप महानिरीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल के निर्देशन में नशा मुक्ति के लिए जागरूकता अभियान का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें राजधानी रायपुर की गली, बस्ती, चौक, चौराहा और स्कूल के बच्चों को नशे के दुष्प्रभाव और उससे होने वाली अपराधों के संबंध में अवगत कराया और लोगों को नशा मुक्त समाज के लिए संकल्पित किया। इसके साथ ही पुलिस कर्मियों ने लोगों को नशे के दुष्प्रभाव और उससे होने वाली सामाजिक, मानसिक, आर्थिक हानि अपराधों के संबंध में जानकारी दी गई। पूरे देश में 12 से 26 जून तक नशा से आज़ादी का पखवाड़ा चलाया जाने के संबंध में निर्देश और लेटर प्राप्त हुआ है, जिसके परिपालन में जिला रायपुर में भी आदरणीय SSP सर के मार्गदर्शन में इस संबंध में महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहे हैं। इसी के तहत जो 25 क्विंटल जो गांजा जब्त होकर के रखा था, उसको 13 जून को नष्टीकरण की कार्रवाई की गई है। मध्य प्रदेश के बैतूल में बुलडोजर पर बारात निकालने के बहुचर्चित मामले में पुलिस ने JCB चालक के खिलाफ चालानी कार्रवाई कर दी। पुलिस ने चालक के खिलाफ 5,000 का जुर्माना लगा दिया। बताया जा रहा है कि JCB मशीन का उपयोग कमर्शियल होता है, इसका उपयोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं होता। JCB के चालक ने नियमों का उल्लंघन किया है। इसी को लेकर जब मामला संज्ञान में आया तो चालक के खिलाफ कार्रवाई की गई। सोशल मीडिया और समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ कि JCB का उपयोग उन्होंने बारात निकालने के लिए किया था, जो कि यातायात नियमों के अंतर्गत नहीं आता, इसलिए आज झल्लार थाने द्वारा JCB मालिक के ऊपर यातायात नियमों के अंतर्गत 5,000 रुपये का अर्थदंड लगाकर कार्रवाई की गई। पन्ना के ग्राम पुरुषोत्तमपुर में एक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जब किसान मिठाई लाल प्रशासनिक अधिकारी की कार्यशैली से परेशान होकर पेड़ पर फांसी का फंदा बनाकर चढ़ गया।
उसने आरोप लगाया कि तीन बार जमीन का सीमांकन किया गया, लेकिन वह जमीन के सीमांकन होने से असंतुष्ट था। आखिरकार उसने परेशान होकर इस हाई वोल्टेज ड्रामा को अंजाम दिया। वहीं मौके पर पुलिस बल और तहसीलदार सहित प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे। करीब 2 घंटे की समझाइश और सही तरीके से सीमांकन करवाने के आश्वासन के बाद किसान पेड़ से नीचे उतरा। सूचना मिली कि इसका नाम मिठाई लाल कलर का है, वो पेड़ पर चढ़ गए हैं और इनका कोई भूमि संबंधी पारिवारिक विवाद है आपस में, जिसके वजह से वो संतुष्ट नहीं है, तो उसकी डिमांड थी कि उसका सीमांकन करके उसको उसकी जमीन बताई है। और स्टाफ से पता चला कि पहले इसका 3 बार सीमांकन हो चुका है, लेकिन वो कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाता। तो अभी समझाइश दे के उसको जैसे तैसे ऊपर से नीचे उतारा है। एक बार इस विवाद को पुनः सीमांकन करके देखते हैं कि क्या इसका समाधान निकल सकता है। छतरपुर जिले के ग्राम देवीखेड़ा में 2 पक्षों में जमीनी विवाद का मामला सामने आया है, जहां जानकारी मिलते ही लवकुश नामक युवक के साथ थाना प्रभारी जसवंत सिंह मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों को समझाइश दी गई। तभी कुछ समय बाद ओम प्रकाश नामक एक युवक ने परिवार सहित पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। उन्होंने बताया कि पुलिस ने हमारे साथ मारपीट की और हमारे घर की महिलाएं जब बचाने को आईं तो उनके साथ भी मारपीट की गई। इस बात पर एडिशनल एसपी विक्रम सिंह ने कहा कि मामले की जांच कराई जाएगी। मकान संबंधी विवाद था जी, तो उसमें दूसरे लोगों ने रुक लिया, इंटरेस्ट लिया, इस वजह से थाना प्रभारी पहुंच गया। एस डी एम साहब को कह दिया है और जांच करेंगे, इसके बाद मतलब वो करके जो होगा वो तुम्हारा एस डी एम पुलिस करेगी, निर्णय करेगी। लोकुश नगर क्षेत्र से 4-5 लोग आए थे जो नागर, इनका बताना था कि ये कुछ कुटी वगैरह बना रहे हैं, तो इनके रिलेशन में पास में रहने वाले वो भी इनके रिलेशन में ही हैं। इस पर आज पुलिस वहाँ पे गई थी, तो इनका कहना कि पुलिस ने इनके साथ कुछ मिसबिहेव किया है। राजधानी के मंदिर हसौद थाना क्षेत्र के सेरीखेड़ी ओवर ब्रिज के ऊपर सड़क हादसे में एक युवती की मौत हो गई। टैंकर चालक ने लापरवाही पूर्वक चलाते हुए एक्टिवा में सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी। सूचना मिलने पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घायल को इलाज के लिए भेजा। वहीं मृतक के शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। साथ ही पुलिस ने टैंकर चालक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। टैंकर चालक हादसे के बाद गाड़ी छोड़कर फरार हो गया, पुलिस ने टैंकर बरामद कर लिया है। ये मंदिर हसौद थाना क्षेत्र का मामला है, सेरीखेड़ी के पास की घटना है। एक ट्रक और स्कूटी के बीच में एक्सीडेंट हुआ था जिससे युवती की मृत्यु हो गई है। इसमें मंदिर हसौद थाना क्षेत्र में मर्ग और अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है, आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस के झांसी थाने का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिसकर्मी डीजे पर तमंचे पर डिस्को करते नजर आ रहे हैं, जिसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस में हड़कंप मच गया। वायरल वीडियो झांसी सदर थाने का बताया जा रहा है, जिसमें वीडियो में पुलिसकर्मी जमकर हथियार लहराते हुए फायर कर रहे हैं। फिलहाल डांस कर रहे पुलिसकर्मियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब बात मुंबई पीडब्ल्यूडी विभाग के घोटालों की है, जहां कुछ भ्रष्ट सरकारी अधिकारी ही सरकार और आम जनता को नुकसान पहुंचाते हैं, फिर चाहे वो सरकारी विभाग हो या फिर गैर सरकारी, हर विभाग को बड़ी बड़ी जिम्मेदारी से बांध दिया जाता है। लेकिन कुछ सरकारी नुमाइंदे करोड़ों के घोटालों के नीचे इतना दबे हुए हैं कि उनको विकास और जिम्मेदारी का भार उठाना भी मुश्किल पड़ता है। या साफ शब्दों में कहें तो सरकार के कुछ भ्रष्ट नुमाइंदे ही सरकार और जनता के लिए आस्तीन का सांप बनकर बैठे हैं। अब ऐसे पे लाजमी है कि जनता की परेशानी सुनने वाला कोई नहीं है। देखिए रिपोर्ट। पीडब्ल्यूडी विभाग में घोटालों का बोलबाला, महाराष्ट्र के मुंबई में पीडब्ल्यूडी का बड़ा घोटाला, पैसे खिलाने वाले सरदार और ईमानदार कर्जदार, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या डिप्टी इंजीनियर जिम्मेदार, क्या काले कारनामों के जिम्मेदार नांद्रेकर साहब, आखिर कौन है करोड़ों के घोटाले का जिम्मेदार, आखिर कब रुकेगा भ्रष्टाचार, जनता कर रही जांच की मांग, आखिर क्यों सरकारी नियमों को तोड़कर टेंडर दिया गया, बिना काम किए बिल क्यों दिए गए, ठेकेदार और भ्रष्ट अधिकारियों की सांठ गांठ,
पैसे लेकर टेंडर देने का आरोप। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुंबई में पीडब्ल्यूडी विभाग में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर चंद्रकांत नाइक और डिप्टी इंजीनियर नांद्रेकर कार्यरत हैं। प्रेसिडेंसी डिवीजन को राज्य सरकार की संपत्तियों की मरम्मत और रखरखाव के लिए अनुदान देती है और इसी अनुदान से ही ये काम होते हैं। सरकारी पैसे का खूब दुरुपयोग किया जा रहा है, काम न करते हुए भी बिल अदा किए जा रहे हैं और इसी निधि का गबन किए जाने का आरोप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर चंद्रकांत नाइक और डिप्टी इंजीनियर नांद्रेकर पर लगाया जा रहा है। बता दें कि 2 साल पहले भी कार्यकारी अभियंता स्वामीदास चौबे द्वारा गड़बड़ी पाई गई थी। आखिर इन सब अवैध कामों को बढ़ावा किसके संरक्षण में दिया जाता है? तो इन घोटालों की आईआईटी मुंबई द्वारा जांच की जाने की मांग की जा रही है तथा आम जनता द्वारा मास्टरमाइंड कहे जाने वाले नांद्रेकर व संबंधित अधिकारियों के फोन रिकॉर्ड्स, संपत्ति तथा बैंक लेन देन की जांच करने की मांग आम जनता द्वारा की जा रही है। वहीं छोटे ठेकेदारों और आम जनता का कहना है कि जाँच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिलहाल देखने वाली बात यह है कि इन घोटालेबाजों पर कार्रवाई कब तक होती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एमके न्यूज़। नमस्कार।